3, 4, 5 and -1, 3, -7 respectively. Then find the equation of set of points P. Find the equation of set of points P such that PA square. Hanji? Beta, same chapter chal raha hai, coordinate geometry. Where K is a constant. Hanji? दो पॉइंट्स गिवन है मुझे, ए और बी, और इस तरीके से गिवन है सेट ऑफ पॉइंट्स पी निकालने हैं इस तरीके से कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सम कांस्टेंट के स्क्वायर. तो लेट पी बी द पॉइंट एक्स वाई जेड. तो पी ए स्क्वायर निकालो, पी बी स्क्वायर निकालो एंड देन सिंप्लीफाई जो गिवन है उसमें पुट करके सिंप्लीफाई करिए. पी ए कितना आया? अंडर द रूट और स्क्वायर में रूट हट जाएगा. एंड पी बी स्क्वायर इज एक्स प्लस वन होल स्क्वायर वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस सेवन होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर. नाउ सिंप्लीफाई एंड गेट योर आंसर. K square, ठीक है. सिंप्लीफाई करके 2x square plus 2y square plus 2z square. Minus 14x, minus 4x, minus 14y. 9, 109 equal to k square. Done, bache? चलो नेक्स्ट. आ रहे हैं 109, ठीक है, हो गया. चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास, शो दैट द नहीं लेट ए 2, 2 -3 पॉइंट ए गिवन है 2, 2 -3 -3 2, 2 -3. हाँ जी, क्या है पता नहीं. टू टू माइनस थ्री, बी गिवन है 5, 6, 9 एंड सी गिवन है 2, 7, 9. बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ये तीनों हमें एक ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है. द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए मीट्स बी सी एट पॉइंट डी.
इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बीसी एट पॉइंट डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। नाइन्थ वाला कंसेप्ट लगना है इसमें आपका। नाइन्थ में हमने किया हुआ है कि जब हमें एंगल बाइसेक्टर गिवन होता है, ठीक है, जैसे यहां इंटरनल बाइसेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो वो जो है ओपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है, जो इन साइड्स की रेशियो होती है। जैसे मान लो अगर ये साइड मुझे 2 गिवन है, ये साइड मान लो अगर 3 गिवन है, तो जो यहाँ इस वाले एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर होगा दैट विल डिवाइड दिस ओपोजिट साइड इन द रेशियो 2:3। दो साल हाँ नहीं, मिड पॉइंट नहीं होगा, मिड पॉइंट वो बनते हैं जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, सिर्फ उस केस में। ऐसे कैसे, साइड्स चेक करो, दिस इज नॉट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप ये ए बी लिया मैंने, ये बी लिया मैंने, ये सी लिया, ए बी निकाल लो, ए सी निकाल लो, रेशियो आ जाएगी सिंपल। उसके बाद सेक्शन फार्मूला लगा दो। हाँ जी, पहले चेक करो अगर वो सेम आ रहे हैं, देन यू विल टेक इट एज अ मिड पॉइंट। ऐसे नहीं अपने आप से लगा देना। वाई वाली वैल्यू गलत है, नहीं ठीक है। हाँ तो बनेगा, पहले उसको शो तो करोगे ना, बनेगा मिड पॉइंट ही वो, नो डाउट, बट यू हैव टू शो। आपको ये दो साइड्स इक्वल शो करनी पड़ेंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ तो वही तो मैंने कहा, वही तो मैंने कहा बच्चे, जब आप ये रेशियोज इक्वल ले लोगे, ये वैल्यूज आ जाएगी, तो इट मींस कि ये अंडरस्टूड है मेरा 1:1 आ रहा है, तो इट मींस दिस इज अ मिड पॉइंट। फिर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लोगे सीधा। ए बी 13 आ रहा है, 2 2 -3 5 6 9 2 7 9। ये देखो ए बी के लिए क्या किया है, 5 -2 होल स्क्वायर + 6 -2 होल स्क्वायर + 9 + 3 होल स्क्वायर। 5 - 2 9 हो गया होल स्क्वायर करके, 6 - 2 होल स्क्वायर करके कितना हो गया 16, और 9 + 3 होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 12 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर दैट इज √169, तो 13 आ जाएगा। आ गया, दूसरा भी ऐसे ही आएगा। दूसरे में हम क्या निकाल रहे हैं, ए सी निकाल रहे हैं, पहली वैल्यू हो गई 0, दूसरी वाली हो गई 5 का स्क्वायर, तीसरी वाली हो गई 12 का स्क्वायर। दोनों साइड सेम आ गई, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑलवेज डिवाइड्स दिस इन द रेशियो 1:1, क्योंकि जब आप 13:13 लोगे तो कैंसल आउट करके दैट विल बी 1:1। जब भी रेशियो 1:1 आ रहा है तो दैट इज अ मिड पॉइंट। तो आप सीधा यहाँ पे अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी निकाल लोगे। क्या बच्चे ए बी के साथ क्या लेना है, हाँ नॉट बी सी, बी सी के ऊपर पॉइंट डी है ना, 7/2, 13/2 and 9। मिड पॉइंट आ जाएगा 7/2, 13/2 and 9। अच्छा अगर क्वेश्चन आता है विदाउट यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला, शो दैट द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, मिड पॉइंट्स सेम शो कर दोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं ना करना, मिड पॉइंट इज अ सेक्शन। अच्छा मिड पॉइंट यूज कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं यूज करना। विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव दैट द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ गिवन वर्टिसेस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। बच्चे डिस्टेंस नहीं लेना हमने, तो हम सीधा मिड पॉइंट्स को इक्वल शो करेंगे।
सेंट्रॉइड निकालने के लिए क्या करोगे? डिवाइड बाय थ्री। अच्छा अगर मुझे मिड पॉइंट्स गिवन है और सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है देन सेम नहीं होता, पहले आपको वर्टिसेस निकालने पड़ेंगे ना। वैल्यू वैसे वो कर सकते हो बट आपको तो पूरा प्रॉपर वे से करके दिखाना है, पेपर सब्जेक्टिव है। सेंट्रॉइड अगर मुझे वर्टिसेस मान लो x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 गिवन है, तो सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट इज x1 plus x2 plus x3 by 3, जितने कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ऐड करके by 3। ये गिवन है इनके जहां मीडियंस मीट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। तीनों मीडियंस जब हम एक्सटेंड कर देते हैं, मतलब तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं दैट इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, इट डिवाइड्स द गिवन दिस मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये हमेशा इसको 2:1 में डिवाइड करते हैं। हाँ जी, किसका मिड पॉइंट मीन्स मुझे ये गिवन है। मिड पॉइंट्स क्या क्या गिवन है? 1, 2, -3। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ए बी का मिड पॉइंट डी गिवन है, ये ई गिवन है, ये एफ गिवन है। ई गिवन है मुझे 3, 0, 1 और ये गिवन है मुझे -1, 1 and -4। अब वैसे तो सेम आ रहे हैं बट करना नहीं है, सब्जेक्टिव है पेपर, प्रॉपर ढंग से करोगे। बहुत शॉर्टकट है। पॉइंट्स मान लो एक्स वन वाई वन जेड वन। हाँ जी, किसका? नहीं, क्यों इक्वल पे होंगे? अच्छा ये, हाँ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो x1 plus x2 by 2 equal to 1, यहाँ से x1 plus x2 equal to 2 आ जाएगा। बाकी इक्वेशंस बताओ 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 बताओ। पहली आ गई 2 हो जाएगा ना, इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब y1 plus y2 4 हो जाएगा। हाँ जी, बाय 2 था ना, अपॉन में 2 था। z1 plus z2, ठीक है। अगली इक्वेशन x की बताओ। y2 plus y3 2 and z2 plus z3, अब x1 plus x3 6 हो जाएगा। y1 plus y3 will be 0, z1 plus z3 will be 2। फिर उससे क्या होएगा? हाँ हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। तीनों को ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ x1 plus x2 plus x3 is equal to क्या आएगा? 6। तो x1 plus x2 plus x3 कितना आ गया? 3। सेंट्रॉइड के लिए क्या करते हैं? इसको डिवाइड बाय 3। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, यानी कि सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गया 1। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कर सकते हो। सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला होता है? x1 plus x2 plus x3 by 3। तो यहाँ से मेरे पास x1 plus x2 plus x3 की वैल्यू 3 आई थी, by 3 किया तो 1 आ गया। सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट 1 आ गया। अब ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकाल लो, ये भी 1 आ जाएगा। ये तो इजी हो गया, अब इक्वेशंस नहीं सॉल्व की। ट्वाइस ऑफ, हाँ तो x1 plus x2 plus x3 की वैल्यू 3 आ गई। हाँ जी, यहाँ पे भी सेम, y1 plus y2 plus y3 की वैल्यू क्या आएगी? 3। by 3 करोगे, क्या कंफ्यूजन है पूछ लो।
क्या कह रहा था ये? यहाँ तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स के आगे वन वन एंड माइनस फोर. हाँ तो फिर तो निकाल लोगे सॉल्व करके, या तो ये दो इक्वेशंस लो, यहाँ से x2 इलिमिनेट होके x1 और x3 की टर्म्स में आ जाएगी, इसके साथ सॉल्व कर लो, x1 और x3 की वैल्यूज आ जाएंगी, वो इसमें पुट करो x2 की वैल्यू आ जाएगी, टेंथ में जैसे करते. चलो अब ये स्टडी के स्टडी बेस्ड है क्वेश्चन. हाँ बिल्कुल आएगी, एक आनी है, चैप्टर कोई भी हो सकता है. फोर फाइव वाला कोई क्वेश्चन नहीं होगा, टू मार्क्स के हैं, थ्री मार्क्स के हैं, फोर मार्क्स के हैं. फोर मार्क्स में जो हैं आपके फोर क्वेश्चंस हैं, जिसमें से तीन वैसे होंगे, एक केस स्टडी. वैसे मतलब नॉर्मल क्वेश्चन जैसे आते हैं, केस स्टडी बेस्ड नहीं होंगे. चलो क्वेश्चन है हमारे पास, द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस डिवाइड द प्लेन कंटेनिंग देम इनटू फोर पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स. सुन लो ये सिर्फ. हाउएवर इन स्पेस द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन डिवाइड्स द स्पेस इनटू एट सेक्शंस कॉल्ड ऑक्टेंट्स एंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज प्लेन्स आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस. जैसे ये तीन है तो एक को हम एक्स ले लेते हैं, एक को वाई ले लेते हैं, एक को जेड ले लेते हैं. एनी पॉइंट इन द प्लेन एक्सो वाई और एक्स वाई प्लेन हैज जेड कोऑर्डिनेट एज जीरो and is of the form xy0. Similarly, a point in yz plane is of the form 0yz. Point in the plane zox is of the form x0z. ठीक है, समझ आया क्या कहा गया है यहाँ पे? जब हम xy प्लेन की बात कर रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स x, y, 0 की फॉर्म में होंगे. yz की बात कर रहे हैं तो 0, y और z की फॉर्म में होंगे. xz की बात कर रहे हैं तो x, 0 और Z की फॉर्म में होंगे. ठीक है, अब हमें पॉइंट गिवन है इन द स्पेस माइनस टू थ्री एंड माइनस फोर. लेट पी इज इक्वल टू माइनस टू थ्री एंड माइनस फोर इज अ पॉइंट इन स्पेस. सो हमें निकालना क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू zx plane. Coordinates of foot of perpendicular from this point to zx plane. और second जो है वो हमने निकालना है, find the foot of the perpendicular from this point to z axis. पहला z axis plane, second to z axis, or the perpendicular distance of P from xy, yz and zx plane. पहला क्या है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम जेड एक्स प्लेन. वाई इक्वल टू जीरो चेंज कर दोगे तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, माइनस टू जीरो एंड माइनस फोर. ठीक है, जब भी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपको निकालना है किसी स्पेसिफिक प्लेन में एक पॉइंट से, तो जो प्लेन है उसमें जो कोऑर्डिनेट मिसिंग है, मतलब वाई मिसिंग है, तो वाई वाले कोऑर्डिनेट को जीरो बना दो, बाकी सेम रहे. अब यहाँ पे अगर सेम वे में अगर होता, लेट अस सपोज वाई जेड प्लेन से, तो क्या आना था, जीरो कॉमा थ्री कॉमा माइनस फोर. एक्स वाई प्लेन से माइनस टू कॉमा थ्री कॉमा जीरो. ये चीज क्लियर है. सेकंड में वो क्या कह रहा है, टू जेड एक्सिस, जेड एक्सिस पे
हाँ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स जीरो होंगे, तो जीरो कॉमा जीरो कॉमा माइनस फोर। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी निकालना है हमने, डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस जो जेड कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू होगी वो होगी, तो एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस हमेशा मॉड्यूलस क्योंकि पॉजिटिव लेके चलना है तो इट विल बी प्लस फोर। जो कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है ना, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट छोड़ दो, जेड वाले से डिस्टेंस आ जाएगा। जेड कोऑर्डिनेट हो गया ना एक्स वाई प्लेन से, ये पॉइंट है मान लो और ये प्लेन है, ठीक है। अगर ये मेरा प्लेन कौन सा है, हम बात कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन की, तो एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई वाले कोऑर्डिनेट्स छोड़ दो क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो लेके हम चलते हैं, तो जो जेड वाला डिस्टेंस है वो आपने लेके चलना। अब वाई जेड प्लेन है तो कौन सा डिस्टेंस लेके चलोगे, एक्स वाला, तो इट विल बी टू यूनिट्स, और जेड एक्स प्लेन है तो इट विल बी थ्री यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है आपने कि अगर हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने हैं तो जो आपका मिसिंग है, यहाँ पे जेड एक्स प्लेन है तो वाई वाले मिसिंग को आपने जीरो बना देना है, वाई जेड प्लेन है एक्स मिसिंग है तो एक्स वाले को जीरो बना देना है, एक्स वाई प्लेन है जेड मिसिंग है तो जेड वाले को जीरो बना दोगे, बाकी सेम रहेंगे। एक्सिस पे अगर निकाल रहे हो जो भी एक्सिस है वो वाला कोऑर्डिनेट ले लेना है, बाकी जीरो बना देना है। सेम वे में अगर फ्रॉम एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर जो है, अगर आप एक्स एक्सिस से होता तो क्या आना था, माइनस टू कॉमा जीरो कॉमा जीरो, और अगर वाई एक्सिस से होता तो, ठीक है क्लियर, अब समझ आ गया ये। और जब डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हो तो जो प्लेन है जो कोऑर्डिनेट मिसिंग है वो वाला डिस्टेंस। इसके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे बन रहे हैं। रमनीक, इफ एनी डाउट इज देयर इन टुडेज लेक्चर बच्चे, देन यू कैन आस्क, अदरवाइज एज द टाइम इज ओवर सो आई एम एंडिंग द मीटिंग। जो ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस।